everyone, welcome to our YouTube channel Knowledge of Friends. Subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग DS that is distributed system इसकी class 23 करने वाले हैं. 22 classes हम discuss कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने phantom deadlock discuss किया था और models discuss किए थे. इससे पहले फिर हम लोगों ने deadlock detection के issues discuss किए थे. आज हम लोग deadlock handling strategies को discuss करने वाले हैं कि deadlock को कैसे handle करते हैं, उनकी क्या-क्या strategies हैं. तो deadlock handling strategies जो है वो तीन ही strategies हैं. पहला तो deadlock prevention, पहले deadlock को prevent करना है. दूसरा second है आपका deadlock avoidance, फिर deadlock को avoid करना है. third but not last that is deadlock detection, फिर detect करना है. ठीक है, तो पहले तो हम लोग प्रिवेंट कर लेंगे डेडलॉक को, भाई जितना हो सकते हैं हमसे प्रिवेंट कर लें. उसके बाद हम उसको अवॉइड जितना कर सकते हैं डेडलॉक को वो उसको अवॉइड कर सकें. लास्ट में अगर डेडलॉक निकल आता है तो उसका डिटेक्शन भी हमें करना जरूरी है कि हमें पता हो कि हमारे सिस्टम में, हमारे प्रोसेसर में, हमारे मॉडल में, हमारे चीज़ों में वो कितना डेडलॉक प्रेजेंट है. ठीक है, तो पहला डिस्कस करते हैं दैट इज अ डेडलॉक प्रिवेंशन. पहला डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है बेटा? डेडलॉक प्रिवेंशन इज कॉमनली अचीव बाय ईदर हैविंग अ प्रोसेस. जो डेडलॉक प्रिवेंशन होता है वो अचीव क्या होता है, या फिर प्रोसेस आपका हो अचीव करे विच रिक्वायर या विच एक्वायर ऑल द नीडेड रिसोर्स. जो भी सारे नीडेड रिसोर्स होते हैं उसे एक्वायर कर सके वो सारे नीडेड रिसोर्स को साइमल्टेनियसली बिकॉज इट बिगेंस एग्जीक्यूशन. क्योंकि साइमल्टेनियसली वो अपना एग्जीक्यूशन को बिगेन कर पाता है, शुरू कर पाता है. और बाय प्रीजेम्प्टिंग या प्रीम्प्टिंग और अ प्रोसेस दैट होल्ड्स ऑल द नीडेड रिसोर्स, तो वो प्रोसेस को होल्ड कर सकता है इस पर्टिकुलर नीडेड रिसोर्स को. दिस अप्रोच इज इनएफिशिएंट एज इट डिक्रीज द सिस्टम कंकरेंसी. तो वो सिस्टम कंकरेंसी को एफिशिएंट को डिक्रीज कर देता है क्योंकि वो इनएफिशिएंट हो जाता है. इसलिए डेडलॉक प्रिवेंशन इज नेसेसरी. उसके बाद आते हैं आपका डेडलॉक अवॉइडेंस के बारे में. तो डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होता है? इन अ डेडलॉक अवॉइडेंस अप्रोच, जब डेडलॉक अवॉइडेंस अप्रोच की बात करते हैं टू द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अ रिसोर्स इज ग्रांटेड, एक रिसोर्स जो है वो ग्रांटेड होता है टू द प्रोसेसर इफ द रिजल्टिंग ग्लोबल सिस्टम स्टेट इज सेफ. अगर वो उस प्रोसेसर का ग्लोबल सिस्टम स्टेट सेफ है तो उस रिसोर्स को ग्रांट कर दिया जाता है. बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम डेडलॉक अवॉइडेंस कैन बी सीन इम्प्रैक्टिकल इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. इसी वजह से वो इम्प्रैक्टिकल लगता है. ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका डेडलॉक डिटेक्शन पे. लास्ट है आपका ये. प्लीज़ अगर आपको पूरा थ्योरी नहीं लिखना है, मैं इसीलिए आपको रिकमेंड भी नहीं करती हूँ आप लिखो, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम कि आपको कितना करना है. तो पहला आपका है डेडलॉक प्रिवेंशन, सेकेंड इज डेडलॉक अवॉइडेंस, थर्ड इज डेडलॉक डिटेक्शन. ये तीनों आपके स्ट्रेटजीज है डेडलॉक हैंडलिंग के. आपका डेडलॉक डिटेक्शन क्या होता है? दैट इज अ डेडलॉक डिटेक्शन रिक्वायर्स एन एग्जामिनेशन ऑफ द स्टेटस ऑफ द प्रोसेस रिसोर्स इंटरेक्शन फॉर द प्रेजेंस ऑफ द साइक्लिक वेट. वो साइक्लिक वेट इंटरेक्शन देखता है कि वो प्रेजेंस है साइक्लिक वेट कि नहीं है आपका प्रोसेस रिसोर्स को इंटरेक्शन को देखने के लिए. डेडलॉक डिटेक्शन इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हैव अ टू फेवरेबल कंडीशन. डेडलॉक डिटेक्शन के पास दो डिस्ट्रीब्यूटर्स, दो फेवरेबल कंडीशंस होती हैं. पहला आपका होता है वंस अ साइकिल इज फॉर्मड इन अ WFG इट परसिस्ट अंटिल इट इज डिटेक्टेड एंड ब्रोकन, जब तक वो डिटेक्ट नहीं किया जाता या ब्रोकन नहीं होता. सेकेंड इज द साइकिल डिटेक्शन कैन बी प्रोसीड कंकरेंटली विद इन द नॉर्मल एक्टिविटीज. जो आपका साइकिल डिटेक्शन होता है वो कंकरेंटली नॉर्मल एक्टिविटीज इस सिस्टम में दिखता है. एंड देयरफॉर इट लॉस not having a neglect effect of the system throughput में negative effect नहीं देता है. तो ये तीनों आप लोग लिख लीजिएगा, that is data deadlock prevention, deadlock avoidance and deadlock detection. बस आज के लिए इतना ही. थैंक यू, होप यू एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड गिव अ सजेशन ऑन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.